going to a very easy lecture, and it's more lecture going to many times. Day before yesterday when we played a movie, and that movie also, this lecture was very common. I know you people have already got the sense of this lecture going to, why do we use, where do we use, but now we are going to make practice and deep. Okay, going to, why do we use going to? When we have decided to do something in future. When we have decided to do something in future, as I was telling, जैसे मैंने कहा, going to, परसों मैंने movie दिखाई, कई जगह पे रोक के students को going to movie में मैं going to दिखाता रहा, कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है going to, ये lecture, going to, और going to आपको पता है to है, तो to के बाद rule के मुताबिक कौन सी form आएगी? First form all the time. We are bounded. We have to use verb first form. So going to जो ये model है, जो ये phrase है. Going to आजकल मॉडल का इसको दर्जा मिलने वाला है, मुझे लगता है इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है ये फ्रेज के लोग फ्यूचर की जगह ये going to इस्तेमाल कर रहे हैं. When we have decided to do something in future, जब कोई काम हम फ्यूचर में करने को डिसाइड कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको मालूम है अच्छी तरीके से, आई वी यू ही शी इट्स एनी नेम दे. उसके बाद बी फॉर्म ऑफ वर्ब, द मीनिंग ऑफ बी इज एम आर वॉज वर विल बी. सब्जेक्ट be going to plus verb first form plus object. ऐसा कोई काम जो हम डिसाइड कर लें करने के लिए, ऐसा कोई काम जो फ्यूचर में होने वाला हो, उसे बताने के लिए be going to का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है. Okay, let's suppose I say I am going to take presentation. I am going to take प्रेजेंटेशन, मैं प्रेजेंटेशन लेने वाला हूँ. लूंगा कब? फ्यूचर में. बात किस में कर रहे हैं? प्रेजेंट में. मतलब है प्रेजेंट का लेक्चर, मीन अकॉर्डिंग टू द वर्डिंग्स आप देख सकते हैं प्रेजेंट है, मगर सेंस दे रहा है फ्यूचर का. इंग्लिश में काफी दफा ऐसा होता है कि हम प्रेजेंट का कोई लेक्चर यूज कर रहे होते हैं और सेंस दे रहे होते हैं पास्ट का. जैसे आप कहते हैं, मैं कहता हूँ 10 बजे मिल सकते हैं आप, तो आप कहते हैं नो 10 बजे तो हम नहीं मिल सकते. मैं कहता हूँ क्यों 10 बजे क्यों नहीं मिल सकते? आप कहते हैं सर 10 o'clock आई एम टेकिंग डिनर at 10 o'clock, 10 बजे मैं खाना खा रहा हूँ. खाना कब खाएंगे? 10 बजे. Sentence किस में बना रहे हैं? Present progressive में. So it's happened. So going to be ऐसे ही एक lecture है, present है, और sense देता है future का. Okay? I'm going to take presentation. मैं presentation लेने वाला हूँ. It's me. I have decided to do this thing. I'm going to take presentation. मैं presentation लेने वाला हूँ. Okay? He is going to go Dubai. वो Dubai जाने वाला है. Normally जब हम students को ये बोलते हैं ना कि वो Dubai जाने वाला है, जुमला बनाओ, तो वो इसकी translation ऐसे करते हैं, कहते हैं he is going Dubai. इसका तो मतलब हो गया वो Dubai जा रहा है. Running action. Running तो बात नहीं हो रही, future का sense दे रहे हैं. तो he is going to go Dubai. ये go जो है ये verb है, verb की first form, और ये going to phrase है normal. Okay, he is going to go Dubai. One more thing, is going to को मिला के क्या बोलते हैं? Gonna is an informal contraction of going to. Gonna. I am going to play cricket. I'm gonna play cricket. देखें पहले कैसे बोलेंगे I am को मिला के. I'm gonna play cricket. हमें सुनने और बोलने की आदत है आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, जब तो हमें समझ नहीं आती ब्रिटिश की. वो कहते हैं आई एम गोना प्ले क्रिकेट, हम कहते हैं आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट. तो आई एम आम गोइंग टू गोना. इसी तरह ही इज गोइंग टू गोना, ही इज गोना प्ले क्रिकेट, ही इज गोना कम इन क्लास, शी इज गोना गिव प्रेजेंटेशन. सो गोना इट इज अ इनफॉर्मल स्पोकन कॉन्ट्रैक्शन, वी कांट यूज फॉर रिटन वी विल हैव टू यूज प्रॉपर गोइंग टू. ओके, अब इसमें स्टेट जब भी बनता है तो स्टेट के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या इस्तेमाल करते हैं? बी या हैव. बी या हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. जैसे आप इसको कंडीशन में चेंज करें कैसे बोलेंगे? माय सिस्टर, लेट्स सपोज मारिया सेज माय सिस्टर इज गोइंग टू बी, माय सिस्टर इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर.
My sister is going to be a doctor. My sister, doctor banne wali hai, doctor hone wali hai. Okay. We are going to have lunch. We are going to have lunch. हम lunch करने वाले हैं. ये be और ये have. दोनों क्या show कर रहे हैं? दोनों state show कर रहे हैं. दोनों state show कर रहे हैं. I'm going to be a doctor. I'm going to be a teacher. We are going to have lunch. Be and have. Same like we people make passive of it. Passive भी बनता है इसका जब object पे जोर दिया जा रहा होता है. यही तो passive है. Object पे जोर दिया जा रहा होता है. Okay? इसका passive कैसे बनता है? जैसे मैं कहता हूँ, I'm going to take presentation. So passive में presentation पहले आ जाएगा. Presentation is going to be taken. Presentation ली जाने वाली है. Presentation is going to be taken. Taken वही rule passive का. Verb की third form. Presentation is going to be taken. So, what do we say? Yes, मैं English बोलने वाला हूँ. I'm going to speak English. मैं English speaker बनने वाला हूँ. I'm going to be a speaker of English. मैं English में command हासिल करने वाला हूँ. I'm going to have command in English. Okay. English बोली जाने वाली है. English बोली जाने वाली है. English is going to be spoken. English is going to be spoken. Okay? मैं